देखिए कुशवाहा सिंह पूजन जी जो पूर्व विधायक हुसैनाबाद के हैं, आसू से उनको उठाने के लिए स्वयं बिरंची नारायण और लॉबिन हेम्ब्रम आए हैं, उनको भेजा गया है। इनका डिमांड है कि ओबीसी का आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, मतलब लगभग 36%, नहीं तो तत्काल तो 27% राज्य सरकार को लागू कर ही देना चाहिए। 36% अगर लागू नहीं हो रहा है तो इनको मनाने, और सीनियर विधायक लोग आए हैं जिस तरीके से देखिए, हालांकि वो भी हाथ जोड़े हुए हैं कि पिछली भी सरकार में हमने इस 36% आरक्षण को लेकर, हालांकि उनको मान तो आखिरकार मना लिया गया। और लंबोदर दा भी हैं, आंसू इस बात को बहुत सीरियस तौर पे रख रही है। अब देखिए लोविंदा का चला गया इस राज्य से, और माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि आप लोग जाकर के उनको उठा दीजिए। क्या आश्वासन मिला आपको दोनों विधायक से? ने तीन आए थे तब माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा कहा गया कि आसन के संज्ञान में यह मामला आ गया है, और उनका जो उनके द्वारा जो उठाया गया प्रश्न है उसको आसन जो है संज्ञान में लेकर सरकार को अवगत करा रही है, और निश्चित तौर पर ओबीसी को आरक्षण के दिशा में बढ़ाने के दिशा में सरकार से वो प्रयत्न करेंगे। आप संतुष्ट हैं? देखिए अभी तो ये लड़ाई है ना, लड़ाई में संतुष्ट असंतुष्ट का कोई मामला नहीं होता है। जब तक लड़ाई जो है अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचता है, जब तक संघर्ष फल नहीं आता है, जब तक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। और आसू पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी, पूरे झारखंड में उलगुलान करेगी आसू पार्टी। कभी झारखंड राज्य अलग गठन को लेकर आसू जो उलगुलान की थी, अब कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर पूरे राज्य में होंगी, कह रहे हैं कि संतुष्टि असंतुष्टि का बात नहीं है, लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक मुकाम तक कोई फैसला नहीं हो जाता। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। www.thefollowup.in